अगर आप भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और इस फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहते हैं बट राइट नाउ आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह काफी कंफ्यूज हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर फील्ड में अपने करियर को बनाना है कैसे एक सूटेबल करियर अचीव करना है देन दिस वीडियो इज फॉर यू हेलो एवरी वन वेलकम टू एनलाइट एंड ब्रेन्स माई नेम इज मनदीप कौर एंड ऑन दिस चैनल आई मेक वीडियो रिलेटेड टू जर्नलिज्म एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट सो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बेसिकली मैं आपको पांच सिंपल से स्टेप्स बताने वाली हूं जिनको मैंने भी फॉलो किया था अपने लिए एक सूटेबल करियर चूज करने के लिए सो so, आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए करियर चूज कर सकते हैं सो और फर्स्ट स्टेप इज अचीविंग क्लैरिटी अब आप सोचोगे कि मैंने इस वीडियो के ऊपर क्लिक ही इसलिए किया है क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं है सो so, गाइज आप अकेले नहीं हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें करना क्या है बट उन्हें ये जरूर पता होता है कि उन्हें क्या नहीं करना है सो so, उसी चीज को हम यहां पर यूज करने वाले हैं इसी टेक्निक के यूज से हम हमारे लिए एक सुटेबल करियर चूज करेंगे यू नो वॉट यू डोंट वॉन्ट टू डू सो इसी को हम अप्लाई करते हैं फील्ड वाइज़ कि किस फील्ड में आप नहीं जाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्रॉडली यहां पर पांच फील्ड है रेडियो टीवी, प्रिंट डिजिटल एंड फ्रीलैंसिंग अब आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि आप किस में काम नहीं करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रेडियो अब रेडियो में बहुत सारे तरीके के काम होते हैं देयर इज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड देयर इज न्यूज इंडस्ट्री जो न्यूज इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट के हिस्से में आती है क्योंकि इंडिया में जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो न्यूज की प्रोडक्शन करें सो so, गवर्नमेंट में न्यूज आ जाएगी इंटरटेनमेंट में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि म्यूजिक ड्रामा प्रोडक्शन या फिर बाकी की जो चीजें हैं वो इंटरटेनमेंट में आ जाती हैं तो पहले आप ये देखिए कि हमारे पास एक ब्रॉड फील्ड है जिस इसका नाम है रेडियो और रेडियो में सब डिविजन हैं इसमें हमारे पास न्यूज इंडस्ट्री है इसमें हमारे पास इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है आप देखिए कि आप इसमें जाना चाहते हैं या फिर नहीं अगर आप जाना चाहते हैं तो टिक लगा दीजिए अगर नहीं जाना चाहते हैं तो क्रॉस लगा दीजिए अगर आप इसको एज अ ऑप्शन मिडल में रखना चाहते हैं तो इसको ऑप्शनल रख लीजिए सेकंड आ जाती है हमारे पास टीवी इंडस्ट्री अगेन इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इंटरटेनमेंट एंड न्यूज अब एंटरटेनमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना वो जर्नलिज्म करते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें एक्टर बनना होता है या फिर वो अपने आप को स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं सो so, अगर आपकी वो इंटेंशन है तो आप उसको भी क्लियर कर दीजिए कि येस आई एम ओके विद अपियरिंग ऑन स्क्रीन मुझे टीवी पे आना है अगर आपको टीवी पे नहीं आना है आप बैक एंड पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप उस चीज को मेंशन कर लीजिए कि मुझे ये चीज करनी है और मुझे ये चीज नहीं करनी है थर्ड इज प्रिंट अब ये प्रिंट इंडिया में अभी भी काफी ज्यादा कह लीजिए ट्रेंड में है उतना खत्म नहीं हुआ है जिस पेस पे अमेरिका में प्रिंट मीडिया में डाउनफॉल आया था उतनी पेस पे इंडिया में नहीं आया है अभी भी ये एक काफी अच्छी इंडस्ट्री है एंड अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं एज अ राइटर तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी आप क्रॉस लगा दीजिए द मोस्ट फ्लरिशिंग इंडस्ट्री ऑफ दिस टाइम इज डिजिटल मीडिया सो आप ब्रॉडली देखिए कि क्या आप डिजिटल मीडिया में जाना चाहते हैं या फिर नहीं फिफ्थ आ जाती है हमारे पास ऑब्वियसली फ्रीलैंसिंग क्या आप फ्रीलैंसिंग के साथ ओके okay हैं क्या आपकी फैमिली इसको करने के लिए अलाउड करेगी सो so, उन सब चीजों को देखते हुए जो आप कर सकते हैं उस पर टिक लगाते जाइए जो आप नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं उस पर क्रॉस लगाते जाइए कुछ चीजों को आप एज अ ऑप्शनल भी रख सकते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं ये चीज कर लूंगा आफ्टर दैट अब आपने एक फील्ड डिसाइड कर लिया फॉर एग्जाम्पल आपने डिजिटल फील्ड को ही डिसाइड कर लिया कि मुझे डिजिटल मीडिया में जाना है ये फील्ड है जो वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है फ्लरिश भी कर रहा है इसमें ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है तो मुझे डिजिटल में जाना है तो अब यहाँ पर हम जॉब्स देखेंगे कि डिजिटल मीडिया में कितनी सारी जॉब्स है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि जर्नलिज्म में कौन सी कौन सी जॉब्स अवेलेबल है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं एज अ रेफरेंस उसे यूज कर सकते हैं बट अब हम जॉब वाइज क्लैरिटी अचीव करने की कोशिश करेंगे सो so, क्या डिजिटल मीडिया में आप टेक्निकल वर्क करना चाहते हैं या फिर आप एड्स के साथ रिलेटेड काम करना चाहते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ एड्स हैं गूगल एड्स हो गई फेसबुक एड्स हो गई इंस्टाग्राम एड्स हो गई सो so, बहुत ज्यादा वराइटी ऑफ एड्स हैं आप ये करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया में भी एंकरिंग होती है आजकल तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये मुझे नहीं करना है या फिर करना है डिजाइनिंग का फील्ड देख सकते हैं राइटिंग का फील्ड देख सकते हैं सो so, ऐसे जिस चीज को अगेन आप कर सकते हैं उस पर टिक लगाते जाइए जो नहीं कर सकते उसको क्रॉस लगाते जाइए ऐसा करते करते आपके पास एक लिस्ट रेडी हो गई होगी जिसमें आपने बहुत सारी चीजों को क्रॉस कर दिया होगा सो so अब हम उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे अब हम फोकस कर सकते हैं उन चीजों के ऊपर जो आप कर सकते हैं या फिर करना चाहते हैं सो so उनमें से भी एक लिस्ट बनाने के लिए हम कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट एंड दैट इज आर सेकेंड स्टेप अब आपका इंटरेस्ट हो सकता है न्यूज रीडिंग में अगर है तो टिक लगाइए अगर नहीं है तो क्रॉस लगा दीजिए फोटो जर्नलिज्म पॉडकास्टिंग राइटिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस पर क्रॉस लगाते जाइए जिसमें इंटरेस्ट है उसपे टिक लगाते जाइए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे लोकेशन क्योंकि ये एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक सूटेबल करियर के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी काम कर सकते हैं उनकी जो सिचुएशंस होती हैं वो उनको अलाउ करती हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया या फिर इंडिया के बाहर भी जाकर काम कर सकते हैं बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकल काम कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक हब सिटी में ही काम करना प्रेफर करते हैं फॉर एग्जाम्पल डेली और मुंबई जहां पर जो न्यूज़ प्रोडक्शन है या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रॉपर हब बने हुए हैं वहां पर काम ढूंढना भी आसान है और वहां पर जो सक्सेस रेट होता है वो भी ज़्यादा होता है ऑब्वियसली क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं तो इसकी भी आप एक लिस्ट रेडी कीजिए कि आपके लिए कौन सी सिटी प्रेफरेबल है कहाँ पर आप काम करना चाहते हैं और कहाँ पर आप काम करना नहीं चाहते हैं एंड अदर पॉइंट्स टू कंसिडर बहुत सारे लोग इन पॉइंट्स को पहले मिस कर देते हैं बट बाद में एक दो साल के बाद उनको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव है द फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शांत से एन्वायरमेंट से आते हैं या बहुत ही खूबसूरत एन्वायरमेंट से आते हैं फॉर एग्जाम्पल जितने भी पहाड़ी लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या वो लोग जो प्लेन्स में पड़े, पले बड़े हैं इंक्लूडिंग मी तो उनके लिए सिटीज में एडजस्ट करना डेली जैसी सिटीज़ में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है एक दो साल के बाद इंसान रिग्रेट करता है उसे दिल करता है कि वो अपनी जगह पर वापस जाए वहां पर जाकर अपनी लाइफ स्टार्ट करे सो पहले ही आप इन्वायरमेंट को कंसिडर कर लीजिए आप एक ठंडे एन्वायरमेंट में पले बड़े हैं क्योंकि इंडिया देखिए बहुत डाइवर्स है आप एक ठंडे इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं और आप जॉब ढूंढते हैं जाकर कहीं पर ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है So, पहले पहले तो ये चीजें हम इंसान बर्दाश्त कर लेता है बट लॉन्ग रन में फिर वो रिग्रेट करता है उसे स्ट्रेस फील होता है कि ये मैं कहाँ आकर फंस गया हूं एक चैंबर में सो so, उन चीजों को प्लीज आप पहले कंसिडर करिएगा सेकेंड इज एक्सपेंसिस आप जिस सिटी में जा रहे हैं उसका रेंट कितना है और वहां पर आपकी अर्निंग कितनी होगी आपका ट्रैवल का एक्सपेंस कितना पड़ेगा उन सब चीजों को भी आप कंसिडर कीजिए फैमिली की आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके सिबलिंग्स की आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन सब चीजों को भी पहले कंसिडर कर लीजिए आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं कौन सी वो जगह है जहां पर आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं क्या वो एक बड़ा शहर है या फिर आप फॉरन में सेटल होना चाहते हैं अलॉन्ग विद दैट कंसिडर द कंडीशन ऑफ योर ओन होम स्टेट फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश और बिहार तो आपकी स्टेट में उतनी ऑपरचुनिटीज आपको नहीं मिलेंगी जितनी आपको दिल्ली में मिलेंगी और आपको एडजस्ट करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप ऐसी चीज़ों को भी पहले से ही consider कर लीजिए एंड आफ्टर दैट जब आपने इन सारी चीजों को कंसिडर कर लिया है आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके खुद के बारे में होगी आपको अपनी इंटरेस्ट के बारे में पता होगा आपको क्लैरिटी काफी ज्यादा आ चुकी होगी तो उसके बाद आपने स्किल्स को लर्न करना स्टार्ट करना है जो भी चीज़ आपके इंटरेस्ट uh, एरिया में फॉल करती है आपने उसके साथ रिलेटेड स्किल्स को लर्न करना है एंड आफ्टर दैट आपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है एक दो महीने में आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा एंड उसको कैसे बनाना है इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए कैसे पोर्टफोलियो को बनाया जा सकता है जब आपका पोर्टफोलियो रेडी हो गया आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर एंट्री लेवल जॉब्स और आप बेटर जॉब्स भी अप्लाई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है तो उस अकॉर्डिंग आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए एंड एक चीज जो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहती हूँ वो ये है दैट नेवर एवर से नो टू अपॉर्चुनिटीज अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको नो मत बोलिए आप एक महीना उस फील्ड में काम कर लीजिए दो महीना काम कर लीजिए इससे क्या होगा कि आपका रिज्यूमे ही स्ट्रांग होगा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी आपको दूसरे फील्ड्स का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा सो so, अपॉर्चुनिटीज़ को कभी मना नहीं करना है पोर्टफोलियो को आपने बिल्ड करना है कैसे उसको बिल्ड करना है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस कि मैंने कौन सी कौन सी चीजों को कंसिडर किया था जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप इस वीडियो आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग